ये पहली बार हो रहा मुझे कैंप छोड़ के भागना पड़ रहा। इसका आउटर लेयर भी डाल देता हूँ। तो गाइस मेरे पहले मैं रोस्टेड बनाने का सोच रहा था, तो यहाँ पे आग जल नहीं रही है। तो अभी ये रोस्टेड रोड का थोड़ी देर बाद इसमें सोलो कैंप, गलती से भी ऐसी जगह पर मत करना। तो गाइस आज मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे जहाँ पे मैंने सोलो कैंप करना है। तो अभी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया। तो आज थोड़ा बारिश वाला सीन बन रखा था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया। तो अभी के लिए मैं जल्दी से टेंट को पिच कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं बारिश वाला मौसम बन रखा था और बैग में मैंने पूरा रेन कवर लगा रखा। गाइस ये रहा अपना टेंट और यहाँ पर से जो व्यू दिख रहा है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है। तो व्यू मैं मॉर्निंग में एक्सप्लोर करूँगा। तो अभी के लिए सारे सामानों को अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो सामान अपना सारा अनबॉक्सिंग हो गया और जल्दी सब टेंट को पिच करता हूँ मैं। तो गाइस जो लोकेशन मैंने सेलेक्ट करा था वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो अभी के लिए मैंने लोकेशन चेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैं टेंट को पिच करता हूँ। टेंट थोड़ा गीला गीला भी हो रहा क्योंकि पिछली बार वाले कैंपिंग में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो अभी तक सूखा नहीं है। तो अब करता हूँ मैं जल्दी से टेंट को पिच। भाई टेंट मैंने अच्छे से पिच कर दिया, तो अभी मैंने लाइट भी जला दी क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया। तो लाइट जला के मैं अभी ब्लॉग को शूट कर रहा। तो टेंट के बाहर से इसका आउटर लेयर भी डाल देता हूँ। तो भाई टेंट में आउटर लेयर भी मैंने डाल दिया, तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, कहीं टेंट वगैरह उड़ ना जाए भाई आज। तो अभी के लिए मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। मैं आ गया हूँ टेंट के अंदर और ये चेक करो भाई, ये अपना प्यारा सा रूम और बाहर पे इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है ना, टेंट के अंदर बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा। तो अभी मैं जल्दी से सारे सामानों को टेंट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो गाइस अभी के लिए सामान वगैरह मैंने सारे टेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे खाने पीने का जो भी सामान है सारे अनबॉक्सिंग कर दिया। तो इसके बाद चलता हूँ टेंट से बाहर और थोड़ा सा आग जलाता हूँ। तो फाइनली गाइस आग भी अपनी जल चुकी है बढ़िया से और इसके बाद चाय चूँ बनाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आग बुझ चुकी थी एक बार, तो मैंने आग फिर से दोबारा जला दिया। बहुत तेज़ हवा हो रही है भाई यहाँ पे। अभी के लिए अब चाय को रख देता हूँ मैं, फिर मस्त चाय पीते हैं भाई। ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो बनाता हूँ भाई बढ़िया करके चाय। तो गाइस लकड़ियाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी जला दी है और अब खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही है, तो मैं फिर से दोबारा लकड़ी को इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं रह रखी। तो जल्दी से लकड़ी को इकट्ठा करता हूँ और फिर दोबारा आग जलाना पड़ेगा। आग एकदम से बुझ जा रही है आज। तो गाइस मैंने लकड़ी को पूरा काट दिया, तो इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, तो इसको ले जाता हूँ मैं चूल्हे के पास। भाई ठंडा इतना भयंकर हो रहा ना आज यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो फाइनली गाइस चाय भी अपनी उबल चुकी है बढ़िया करके और अब चाय का मज़ा लेता हूँ भाई। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा और हवा ऐसा अंड संड चल रही है, आग बुझ जा रही है, तो चाय तो ऑलमोस्ट उबल चुकी है। तो गाइस अब चाय का मज़ा लेता हूँ और लोकेशन तो काफ़ी प्यारा है और काफ़ी प्यारा व्यू भी है, तो मॉर्निंग में जो व्यू मिलेगा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मिलेगा।
तो अभी के लिए चाय का मज़ा लेता हूँ। और यहाँ पर से भाई बहुत सारे गांव गांव दिख रहे हैं, पूरा लाइट लाइट दिख रहा है, तो मॉर्निंग में व्यू को एक्सप्लोर करूँगा। अभी के लिए चाय को फिनिश करता हूँ। तो गाइस अभी मैं टेंट के अंदर आ गया, तो यहाँ पर मैं डिनर के लिए प्याज की कटिंग कर रहा और प्याज टमाटर की कटिंग चाय पीते पीते कर रहा मैं चाय के साथ। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़। तो गाइस फाइनली प्याज की कटिंग तो पूरी हो गई है, आप देख सकते हो बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर और टेंट पूरा नीचे से उड़ जा रहा है हवा की वजह से। तो प्याज की कटिंग अपनी हो गई अच्छे से और अब टमाटर काटता हूँ। प्याज की कटिंग तो अपनी हो गई, तो अब मैं टमाटर की कटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, टेंट पूरा उड़ जा रहा है नीचे से। तो टमाटर में बारीक बारीक पीसों में कटिंग कर देता हूँ और फिर मस्त डिनर भी तैयार करना है अभी। तो गाइस फाइनली टमाटर मैंने ऑलमोस्ट काट दिया है बारीक बारीक करके और ये आप चेक करो। तो टमाटर और प्याज अपना बढ़िया करके कट गया। तो आज डिनर में लेकर आया हूँ मैं चिकन, तो चिकन की अभी कटिंग भी करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि मैं पहले रोस्टेड बनाने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ बाहर पे भाई इतनी भयंकर हवा चल रही ना तो आग उग जल नहीं रही है, तो रोस्टेड तो बन नहीं पाएगा। तो अभी के लिए मैं चिकन को बारीक बारीक पीसों में काटूँगा। तो गाइस ये रहा अपना चिकन और इसको काटता हूँ मैं बारीक बारीक पीसों में। तो गाइस अब चिकन की कटिंग करता हूँ मैं बढ़िया करके बारीक बारीक पीसों में। पहले मैं रोस्टेड बनाने का सोच रहा था, तो यहाँ पर आग जल नहीं रही है तो हवा की वजह से आग बुझ जा रही है, तो इसको अब ग्रेवी वाला बनाना पड़ेगा और इसके साथ मुझे चावल बनाना पड़ेगा। तो ये रहा चिकन लेग पीस, तो जल्दी से इसको भी बारीक बारीक पीसों में कटिंग कर देता हूँ मैं। तो भाई चिकन की कटिंग तो मैंने अच्छे से कर दी है और अब मैं चिकन के लिए ग्रेवी तैयार कर रहा हूँ। अब तो आग भाई जल नहीं रही है, देख लो आप, बहुत कम आग जल रही है बड़ी मुश्किल से। अभी तो तेल डाल देता हूँ, तेल को गर्म करूँगा, फिर इसमें प्याज टमाटर को फिल करूँगा। तो देखता हूँ कितने देर में ये तेल गर्म होता है। तो गाइस फाइनली तेल अपना गर्म हो गया और इसमें प्याज डाल देता हूँ मैं। तो प्याज को मस्त करके ब्राउन करूँगा, तो प्याज का जो टेस्ट आएगा उसके बाद बिल्कुल अलग लेवल का आएगा। और प्याज मैंने फिल कर दिया प्रेशर कुकर में, तो थोड़ा देर इसको अच्छे से पकने देता हूँ और ब्राउन कलर हो जाएगा, उसके बाद इसमें टमाटर को भी फिल कर दूँगा। तो गाइस प्याज अपना अच्छे से ब्राउन हो गया, तो अब इसमें टमाटर को भी फिल कर देता हूँ, तो फिर बनाता हूँ भाई बढ़िया सा ग्रेवी। तो टमाटर मैंने फिल कर दिया और टमाटर को अच्छे से गलाऊँगा, फिर रेडी करूँगा मस्त ग्रेवी। तो इसको इसमें नमक डाल देता हूँ, नमक से टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाता है, आग ने सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है भैया आज। टमाटर के ऊपर से मैं नमक को फिल कर देता हूँ और उससे टमाटर थोड़ा जल्दी पिघल जाएगा। ये पड़ गया अपना नमक, और नमक कम होगा तो फिर से दोबारा डाल दूँगा, अभी के लिए मैंने थोड़ा सा डाल लगा। और करता हूँ मस्त सी ग्रेवी रेडी। तो गाइस टमाटर अपना अच्छे से गल गया, तो इसमें अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालता हूँ मैं। और ये पड़ा अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये भाई चिकन मसाला, ये मैंने फाड़ कर रखा है। तो चिकन मसाला भी अपना पड़ गया और धुआं बहुत तेज़ हो रहा है यहाँ पे क्योंकि हवा अंडरसंड हवा चल रही है, तो फेंक पा रहा है धुआँ। तो ये रहा भाई अपना ग्रेवी, तो थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें घर का मसाला भी डाल देता हूँ जिससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करता हूँ इसका 5-10 मिनट और फिर ग्रेवी अपना रेडी हो जाएगा, फिर इसमें चिकन को भी फील करूँगा। तो गाइस ये रहा अपना चिकन और ये मैंने टेंट के अंदर काट तो दिया था, लेकिन इसके 2-4 पीस बड़े बड़े और के, तो इनको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो इनको छोटा करने के बाद मैं ग्रेवी में इसको फिल कर दूँगा। तो गाइस ये चेक करो अपनी ग्रेवी मस्त रेडी हो गई है, तो अब इसमें चिकन को फिल कर देता हूँ, तो इसके बाद होने वाला अपना मस्त चिकन रेडी। 2-4 पीस बड़े अभी भी रह गए, लेकिन मैनेज कर लूँगा।
तो चिकन के पीस तो मैंने ग्रेवी में डाल दिए और इसको अच्छे से मैरिनेट कर देता हूँ। मैरिनेट करने के बाद चिकन के अंदर अच्छे से मसाला चले जाएगा तो फिर टेस्ट और अलग लेवल का आएगा फिर। तो गाइस फाइनली चिकन अपना रेडी होने ही वाला है, ये आप चेक करो। तो अभी ये रोस्टेड रोल का थोड़ी देर बाद इसमें पानी डालूंगा तो सूप थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि तो इसके बाद चावल चावल बनाऊंगा तो चावल में खाने के लिए थोड़ा बहुत सूप तो चाहिए। तो अभी के लिए जल्दी से इसको रेडी करता हूँ और इसमें थोड़ी देर बाद पानी को भी फील कर दूंगा। तो कलर तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका, ये आप चेक करो, ये रहा चिकन लेग पीस, तो कलर बहुत बढ़िया लग रहा है इसका। चिकन तो अपना ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ग्रेवी को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद चावल बनाना है तो चावल में खाने के लिए ग्रेवी तो चाहिए। तो चिकन रेडी हो गया, तो इसमें हल्का सा पानी फील कर देता हूँ। तो अब वेट करता हूँ इसके पकने का, तो जैसे ये पक जाएगा तो इसको ले जाऊँगा भाई टेंट के अंदर। ओ भाई चिकन लेग पीस। तो गाइस के पकने का वेट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस चिकन भी अपना रेडी हो चुका है, तो इसको मैं इस बर्तन में डाल दूँगा, फिर इसमें चावल भी बनाना है अभी, तो इसको इसमें लोड कर देता हूँ मैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो चिकन मैंने इसको लोड कर दिया, इसमें चावल रखता हूँ। तो गाइज प्रेशर में मैंने चावल डाल दिया था और अभी के लिए मैंने पानी भी डाल दिया, तो अब चावल को रेडी करता हूँ। और आग पूरा बुझ चुका है, तो आग को फिर से दोबारा जलाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज चावल भी अपना बन चुका है, चावल मैंने टेंट के अंदर रख दिया। तो ये अपना चिकन, तो ये ग्रेवी है, इसको थोड़ी देर गर्म करने को रख देता हूँ क्योंकि ये ठंडा हो गया। तो चिकन के पीस इसमें, तो इसको मैं टेंट के अंदर ले जाता हूँ। तो गाइस फाइनली ग्रेवी भी गर्म हो चुका है, तो अब इसको भी टेंट के अंदर ले जाता हूँ और इसके बाद मस्त डिनर करता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ टेंट के अंदर और यहाँ पर करने वाला हूँ मस्त डिनर। तो ये रहा अपना चावल और ये चिकन का पीस और इसमें मैंने ग्रेवी रखा है। तो सबसे पहले चावल को सर्व करता हूँ अपने लिए, तो इसमें डाल देता हूँ भाई चावल। और ये रहा भाई चिकन के पीस, और चिकन के पीस को भी डाल देता हूँ इसमें। तो इसके बाद करता हूँ भाई बढ़िया सा डिनर यहाँ पे, और जितना बचेगा इधर छोड़ दूंगा जंगली जा। मस्त बन रहा है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया हो रहा है। जंगल में खाने का टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का आता है। कैसी आवाज़ है बाहर पे, मैं जस्ट डिनर ही कर रहा था। भाई मेरे सारे बर्तन भारी पे खाने के और बाहर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। भाई खाने खुने के सारे बर्तन भारी है मेरे। तो गाइस अभी के लिए मैंने टेंट तो लॉक कर दिया, तो आउटर लेयर मैंने अभी लॉक नहीं करा है, तो जो अंदर का था वो वाला लेयर मैंने लॉक कर दिया। और टेंट के अंदर आ गया मैं, खाना पूरा भारी पर छूट रखा, अभी के लिए तो आवाज़ बंद होगी। आवाज़ दूर दूर से आ रही है, पता नहीं लेपर्ड की आवाज़ लग रही मुझे तो,
और अपना जो मैं खा रहा था उसको तो मैं अंदर लेके आ गया। अभी के लिए आवाज़ बंद हो गया थोड़ी देर। तो फाइनली गाइज अभी के लिए मैं टेंट के अंदर आ गया और बात बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो थोड़ी देर पहले आवाज़ आ रही थी तो मेरे बहुत ज़्यादा फट गई थी। जैसे तैसे करके मैं डिनर करके हाथ धो के टेंट के अंदर आ गया हूँ फिर से। तो अभी सोने की तैयारी है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रही है। हो सकता है मैंने चिकन चुकन बनाया तो उसकी खुशबू से हो सकता है लेपर्ड आ गया होगा, तो अभी के लिए चले गया है। तो अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके बाद सो जाता हूँ बढ़िया करके। तो मिलता हूँ इसके बाद सीधे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। गाइस फिर से लेपर्ड आ गया। गाइस मैंने गलती कर दी यहाँ पर चिकन बना के और परसों मैं अकेला फंस गया आज, और ये टेंट के पास आ रहा है। बाहर जाना भी भाई रिस्क है मिलने, और यहाँ पर रहना भी रिस्क है। ये बहुत ज़्यादा फट गई कसम से, टेंट के अंदर आएगा ना कसम मेरा काम तमाम हो जाएगा आज। मेरी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ, देखता हूँ अगर एक आधे घंटे में आवाज़ नहीं आई तो फिर यहाँ से निकल जाऊँगा मैं घर के लिए, वहीं मेरे लिए सेफ रहेगा। तो गाइस अभी मुझे ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया यहाँ पर वेट करते करते, तो अभी के लिए आवाज़ वगैरह तो आ नहीं रही। कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं इधर आसपास, तो कुत्तों की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। बैग में मैंने थोड़ा बहुत सामान तो पैक कर दिया, तो टेंट वगैरह मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा और मॉर्निंग में टेंट वगैरह लेना आऊँगा। तो अभी के लिए मैं घर निकलने का सोच रहा हूँ, देखता हूँ रास्ते में अगर मिल गया तो भाई मेरा सीन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर के लिए निकल जाता हूँ अब, क्योंकि आवाज़ वगैरह अभी आ नहीं रही है। तो बैग वगैरह मैंने थोड़ा बहुत जो भी सामान था टेंट के अंदर, पावर बैंक फ़ोन वगैरह मैंने सारे इसमें डाल दिए। तो बाहर चल के देखता हूँ गाइज क्या सीन होता है। तो गाइज अब मैं टेंट के बाहर जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या सीन होता है। तो मैं यहाँ से घर को निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बैग को मैंने पूरा सेट कर दिया कुछ से, और अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से घर के लिए। गाइज आवाज़ फिर से आने लग गई और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया आज। गाइज बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही है, बहुत खतरनाक खतरनाक आवाज़ आने लगी। ये पहली बार हो रहा मुझे कैंप छोड़ के भागना पड़ रहा है। सो गाइज फाइनली अभी मैं एक दोस्त है उसके घर पर पहुंच गया हूँ, और वहाँ पर लेपर्ड ने भाई बहुत ज़्यादा परेशान करा। तो मैंने वहाँ पर चिकन बनाया था तो उस वजह से भाई वो टेंट के आसपास आ गया था, और बड़ी मुश्किल से मैं घर को भागा और अभी मैं एक दोस्त के घर पर पहुँच गया हूँ। तो आज की रात मैं यहीं पर स्टे करूँगा, मेरा टेंट वगैरह सामान वगैरह सारा वहीं छूट रखा भी। वो मॉर्निंग में जाऊँगा वहाँ पर अपने सामान वगैरह लेने दो चार दोस्तों को लेकर। तो अभी के लिए गाइस आज का स्टे मैं दोस्त के रूम पर कर रहा। आपको एक ही सजेशन करूँगा भाई, सोलो कैंप गलती से भी ऐसी जगह पर मत करना जहाँ के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता ना हो। सोलो कैंप ऐसी जगह पर करना जहाँ के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जगह सेफ है, तो तभी सोलो कैंप करना। तो ऐसी वैसे जगह पर भाई सोलो कैंप करना भाई जान पे जान को दाव पे लगाना से कम नहीं है। तो भाई ये ब्लॉग वगैरह जो भी है भाई अपनी जान से ज़्यादा कीमती तो है नहीं, तो आप भाई जहाँ पर भी सोलो कैंप करो तो सेफ करो। वैसे तो सोलो कैंप भाई बिल्कुल भी मत करो, अगर सोलो कैंप करते हुए तो सेफ जगह पर करो। तो अभी के लिए सो जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ऐसे प्यार दिखाते रहो। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट नाइट कैंपिंग ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट गाइस।